एक किलो कीमे के लिए उसको नमक होना चाहिए, लाल मिर्ची होना चाहिए, हल्दी, काली मिर्ची पाउडर, वेनेगर, कटी कच्ची प्याज होना चाहिए, तलने के तेल होना चाहिए, और पाव किलो टमाटर होना चाहिए, अदरक लहसुन होना, हरी मिर्ची कटी हुई हरी मिर्ची, कोथमीर पुदीना, ये ब्रेड 3/4 डालना चाहिए इसमें। उसको मिक्सी में डाल के चूरा करना चाहिए। इसके लिए ये कीमा है, कीमा डालने से एक इसको लाल मिर्ची एक टेबल स्पून से लाल मिर्ची डालना चाहिए, और चिटकी भर के थोड़ा हल्दी और काली मिर्ची एक चम्मच चाय चम्मच करते काली मिर्ची डालना चाहिए, और ये विनेगर है, इसको विनेगर बॉटल में 700 ml आता है, 350 ml डालना चाहिए इसमें, और ये कटी हुई प्याज ये डालना चाहिए, और ये टमाटर किलो को 5 किलो टमाटे, और ये कटी हुई हरी मिर्ची 4-5 हरी मिर्ची ये भी डाल देना चाहिए, और ये अदरक लहसुन 1/2 चम्मच अदरक लहसुन डालना चाहिए, और ये कोथमीर पुदीना ये रोटी इसे मिक्सी में डालना है, क्या करना है उसको आपको मालूम होता है। रोटी की मिक्सी में डाल के ऐसा पतला पाउडर करना चाहिए ऐसा। ये आइटम बहुत अच्छा आइटम रहता है, ये अंग्रेज का था बोल तो अब बना के एक एक महीना भी फ्रिज में रख के खा सकते हैं, खराब नहीं होता है। क्यों बोल दो अपना वो डाल देना, विनेगर डाल देना, विनेगर सिट्रिक एसिड रहता है, इसी वजह से खराब नहीं होता गोश्त, सर बहुत टेस्ट रहता है, 1-2 महीने रख के भी फ्रीजर में रख के खा सकते हैं। इसको पानी पूरा अच्छा सुखाना, माँ सुखाने के बाद ही रोटी डालना, नहीं तो अच्छे में डालो तो लिट्टी बहुत भरा भरा बनाने को नहीं आता हो। इसमें सूखा बनने वाली ये रोटी डालना, रोटी डाल के मिलाते हैं, सूखा बनने वाली ये ब्रेड कम डालना चाहिए, ब्रेड है ये अच्छा मिला देना। ये मुट्ठी बनाना है सर, मुट्ठी ऐसा पानी रख के ऐसा लेके ऐसे बनाना होगा। काली येलो निकाल देना, वाइट ही लेना, येलो नहीं लेना, येलो लेने से क्या करता तेल में तले से तो उबलता, दूध उबलने से उबलता वो भाई येलो से लेना, उबल के इसे डालना। ये ब्रेड का वैसा अच्छा दवा दवा के करना, अंडे में लपटे वाली लपट के गोल करना, गरम गरम अंग्रेजी कटस रेडी।